पूर्व में बना फर्जी थानेदार अब मोटरसाइकिल का चोर। कुल 6 मोटरसाइकिल में इंजन को किया जब्त, अन्य वारदातें खुलने की संभावना। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन, पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर राजस्थान के निर्देशानुसार आए दिन हो रही वाहनों की चोरियों की वारदातों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अशोक मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं रूप सिंह वृत्ताधिकारी व्रत सागवाड़ा के निकट सुपरविजन में थाना सर्कल सागवाड़ा एवं जनरल हॉस्पिटल सागवाड़ा से हो रही मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को लेकर थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें टीम द्वारा सरगर्मी से माल मुलजिमात की तलाशी हेतु सीसीटीवी फुटेज के और मुखबिर तंत्र से पीछा करते हुए मुलजिम दलीचंद्र पिता चुन्नीलाल सुथार उम्र 50 साल निवासी बडावली थाना सेमारी जिला सलुम्बर को नामजद कर जगह जगह दबिश दी गई। दौरान नाकाबंदी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर कई अन्य वारदातें करना कबूल किया है, जिसमें सलुम्बर डूंगरपुर सागवाड़ा और अन्य जगह जनरल हॉस्पिटल में मोटरसाइकिलें चुराना कबूला, जिसमें से एक मोटरसाइकिल कैलाश पिता कालू कालबेलिया निवासी बडावली राताखेड़ा थाना सेमारी उदयपुर को बेचना बताया और अन्य 5 मोटरसाइकिलें और एक इंजन को सलुम्बर के पास नाले से मुलजिम दलीचंद्र के बताए अनुसार बरामद किया गया है। इस कार्रवाई में प्रभुलाल मीणा पुलिस निरीक्षक, थाना अधिकारी सुरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक, कमलेश कुमार हेड कांस्टेबल, घनश्याम सिंह आज सूचना अधिकारी, रोहित सिंह कांस्टेबल तकनीकी विशेषज्ञ, दिलवर सिंह कांस्टेबल, भीमराज कांस्टेबल का सराहनीय सहयोग रहा। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।